हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, एक स्कूल के स्टूडेंट हो, या आप कहीं भी एक स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर आज करिएगा अगर आप 2020-21 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 2020-21 में एग्ज़ाम देने वाले छात्र छात्राएं इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बताया जाएगा आखिर 2020-21 में परीक्षाएँ किस तरह से होंगी, आपका एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा, इस लॉकडाउन में, इस COVID-19 के महामारी में किस तरह से आपकी परीक्षाएं जो बची हुई हैं वो किसे कैसे ली जाएंगी, और आगे आने वाली परीक्षाएं आपकी कैसे ली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में, वीडियो को कंप्लीट जरूर आज करिएगा। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम शिक्षा संबंधी सारी खबरें हर दिन भर की एक जगह पर एक ही वीडियो के माध्यम से, एक ही चैनल के माध्यम से आपको दे देता हूँ। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद चैनल हो सकता है। जिस तरह से आप कॉमेडी का चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं, उसी तरह से एक शिक्षा संबंधी चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं कैसे होगी 2020-21 में परीक्षाएं। उससे पहले एक और बात कि अगर आप यूजी और पीजी के छात्र हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि यूजी और पीजी के छात्रों के लिए लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो यूजी और पीजी के छात्र इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, मध्य प्रदेश में कॉलेजों में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हैं। यह आदेश विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पहुंच गए हैं। इससे पहले परीक्षाएं नहीं कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर पिछले दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली UGC ने जवाब दाखिल किया था। तो देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव वीरन सिंह भालवी ने आदेश में कहा कि यूजी और अंतिम वर्ष की और पीजी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं विद्यार्थी अपने घर पर रहकर ओपन बुक प्रणाली से देंगे। तो देखिए, ये परीक्षाएं जो कराई जाने वाली हैं, देखिए कहीं ना कहीं सारे परीक्षाओं से लिंक्ड हैं, स्कूल की परीक्षाओं से, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं से, सभी परीक्षाओं से लिंक है। तो इन जो भी परीक्षाएं ये जो कराई जा रही हैं, ये परीक्षाओं का जो मॉडल है वो दिया गया है नीचे, जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यानपूर्वक बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से कि किस तरह से परीक्षाएं कराई जा रही हैं, ठीक है। तो देखिए, वहीं आगे लिखा जा रहा है परीक्षाएं सितंबर में होंगी और रिजल्ट अक्टूबर में जारी किए जाएंगे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। फिलहाल तो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर ही जारी किया गया है, लेकिन यही जो पैटर्न जो है आगे भी फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बीवी ने टाइम टेबल तैयार करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर बीवी से कन्फ्यूज ना हो, बीवी मतलब विश्वविद्यालय, ठीक है। बीवी ने टाइम टेबल तैयार करना शुरू कर दिया है। यूजी अंतिम वर्ष और पीजी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी अपने रजिस्टर या A4 साइज के पेपर की उत्तर पुस्तिका तैयार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, घर पर रहकर ओपन बुक एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। और देखिए कैसे कैसा क्या क्या मेथड रहेगा उसमें, सिर्फ नीले रंग का पेन प्रयोग करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ नीले रंग का पेन ही प्रयोग करना होगा आपके परीक्षा में, जो घर पे रह के एग्ज़ाम दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें उन्हें अपना रोल नंबर, नामांक, कॉलेज और पेपर का नाम तथा कॉपी के पेज की संख्या अपने हाथ से लिखनी होगी, ठीक है। अपने हाथ से ये सब चीज़ें घर पर रहकर ही लिखनी होगी। उत्तर लिखते समय सिर्फ नीले और काले पेन का उपयोग करेंगे, अन्य सभी रंग और प्रकार के पेन का उपयोग वर्जित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ नीले और काले पेन का प्रयोग किया जाएगा, जो क्वेश्चन लिखने के लिए काले पेन का और आंसर लिखने के लिए नीले पेन का प्रयोग किया जाएगा, और किसी भी तरह की पेन का जो उपयोग है वर्जित रहेगा, ठीक है। जो भी जैसे कि फाउंटेन पेन होती है तो उनका प्रयोग जो है वर्जित रहेगा। रेड पेन का भी प्रयोग नहीं होगा, ग्रीन पेन का प्रयोग भी नहीं आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर पे दे रहे हैं तो किसी का भी पेन का प्रयोग कर लें, ठीक है। और सभी रोल नंबर और जो भी अपना नाम, कॉलेज का नाम लिखना रहेगा, सब अपने हाथ से लिखाना रहेगा, और A4 साइज पेपर पर करना होगा तैयारी, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए क्या लिखा जा रहा है। बीबी सितंबर के अंत तक परीक्षा कराकर अक्टूबर तक सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट जारी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये जो लास्ट फाइनल ईयर के एग्जाम है उनके लिए ये बातें कही जा रही हैं। ये देखिए, किसी कारणवश ओपन बुक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाने वाले विद्यार्थी की नवंबर में विशेष परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो जो देखिए, जो किसी कारणवश कोई भी मतलब परेशानी हो सकती है, जानते हैं इस समय बिहार और आसाम में बाढ़ आई हुई है, और भी उत्तर प्रदेश में भी लगभग कहीं कहीं बाढ़ आई है। तो कई विद्यार्थी जो बाढ़ से भी पीड़ित हैं, COVID-19 से भी पीड़ित हैं, तो ऐसे में कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो ओपन बुक परीक्षा में नहीं हो पाएंगे शामिल, तो उनके लिए नवंबर में फिर से जो है एग्जाम्स रखे जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या लिखा जा रहा है। ईमेल आईडी पर भेजेंगे प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, ईमेल आईडी पर प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। बीबी अपनी वेबसाइट, मतलब बीबी विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर प्रश्न पत्र अपलोड करेंगे। इसे कॉलेज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत तैयार कराए विद्यार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर
परीक्षा और विषयवार पेपर भेजे जाएंगे। ओपन बुक परीक्षा प्रणाली में परीक्षार्थी अपने घर में ही रहकर उत्तर पुस्तिका लिखेंगे। विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र में जमा करना होगा। ये केंद्र कॉलेज प्राचार्य द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इसमें से हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल, निजी और सरकारी कॉलेज शामिल होंगे। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका कॉलेज कार्यालय का डाक और ईमेल द्वारा भी भेज सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है कि ईमेल जो है आपका दिया जाएगा और आपका नंबर लिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे और उस प्रश्न पत्र को आपको लिखकर और जो है डाक द्वारा आपको भेजना होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रिया रहेंगी और आगे आने वाले कुछ पेपर अगर इसी तरह से हालात बने रहते हैं, अगर नहीं संभलते हैं तो आगे आने वाले जो भी स्कूल के एग्जाम है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, इसी तरह से ही कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए क्या क्या लिखा जा रहा है। 50-50% के वेटेज पर घोषित होगा रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, 50-50% के वेटेज पर घोषित किया जाएगा रिजल्ट। UGPG के अंतिम और सेमेस्टर के विद्यार्थियों को गत वर्ष के प्राप्तांक का 50% वेटेज तथा ओपन बुक परीक्षा के प्राप्तांकों का 50% वेटेज देते हुए परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यूजी और पीजी, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, यूजी और पीजी के लिए थोड़ा सा स्पेशल रहेगा क्योंकि यूजी और पीजी के अभी एग्जाम्स होने वाले हैं जो फाइनल ईयर के एग्जाम है, तो ये इसी तरह से किए जाएंगे कि जो 50% वेटेज रहेगा वो ओपन बुक के हिसाब से रहेगा और 50% जो अगले क्लास में, जो अगले सेमेस्टर में दे के आए परीक्षाएं, जो उसका रिजल्ट निकला है उसके हिसाब से परीक्षाएं दी जाएंगी। ठीक है, उसके हिसाब से जो मार्कशीट उनकी बनेगी उसके हिसाब से लिया जाएगा। वहीं देखिए आगे क्या रहेगा इनका मॉडल कि SIS पर कराना होगा पंजीयन। जी हाँ दोस्तों, SIS पे पंजीयन कराना होगा। SIS क्या होता है, देखिए आगे, UGPG के फाइनल ईयर की परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट को कॉलेज के वेब पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम SIS पर जाकर अपनी पंजीयन कराना होगा। इसकी आखिरी तारीख 21 अगस्त है। पंजीयन नहीं कराने वाले स्टूडेंट परीक्षा और परिणाम से वंचित रह जाएंगे। स्टूडेंट अपने नामांकन और जन्म दिनांक से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने परीक्षा फॉर्म भरा है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर पंजीयन के लिंक भी भेजे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है साफ कि 21 अगस्त तक लास्ट डेट है, तो वो उन स्टूडेंट के लिए है। ऐसा मत समझिएगा स्कूल और कॉलेज के जो भी स्टूडेंट देख रहे हो, ऐसा मत समझिएगा सबके लिए, या मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटी के लिए बातें कही गई हैं। इसमें जो भी बातें कही गई थी वो कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट पर अप्लाई की जाएंगी। इसी तरह से लगभग हर जगह एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, आने वाले कुछ जो भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, जब तक COVID-19 सही नहीं हो जाता है, इसका जो भी प्रभाव सही नहीं हो जाता है, तब तक इसी तरह से कुछ एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे सारे यूनिवर्सिटी के। तो ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। तो यही सब जानकारी आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।